विमला अपने घर पर बैठी हुई अपने पति से बातें कर रही थी कि तभी विमला का पति विमला से बोला, ये मुन्ना कहाँ चला गया? कहीं नजर नहीं आ रहा। अजी, मुन्ना बाहर खेल रहा होगा, और कहाँ जाएगा? खेल रहा होगा? अरे तुम्हें कुछ होश वोश है कि नहीं? शाम हो गई है, अब तक तो मुन्ने को घर आ जाना चाहिए था। अपने पति की बात सुनकर विमला के माथे पर चिंता की लकीरें बन गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपसे बात करते हुए मुझे याद ही नहीं रहा कि मुन्ना को बाहर खेलते हुए काफी देर हो गई है। आप चिंता मत करिए, मैं अभी उसे ढूंढ कर लाती हूँ। इतना कहकर विमला अपने घर से खेतों की ओर निकल गई। तभी उसने देखा कि गांव के तालाब के किनारे उसका 10 साल का बेटा मुन्ना खेतों में बेहोश पड़ा हुआ है। विमला उसके पास पहुंचकर बोली, क्या हुआ मुन्ना, तुझे क्या हुआ? अपनी माँ की आवाज सुनकर मुन्ना होश में आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मैं यहाँ बच्चों के साथ खेल रहा था, फिर अचानक मैं तालाब में गिर गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं माँ, मैं तो होश में ही नहीं था, आपकी आवाज सुनकर ही होश में आया हूँ। माँ माँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर विमला रोती हुई उसे तुरंत घर ले आई। अरे क्या हुआ विमला, तुम रो काहे रही हो, और ये मुन्ना का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? पता नहीं क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि तालाब में गिरकर बेहोश हो गया था। और उसके बाद से इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है हमारा मुन्ना अंधा हो गया है। अरे कैसी बातें कर रही हो, शुभ शुभ बोलो विमला। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो आप स्वयं मुन्ना से ही पूछ लीजिए। मुन्ना, ओ बेटा मुन्ना, बताओ क्या तुम्हें वास्तव में कुछ दिखाई नहीं दे रहा? मुन्ना फूट फूट कर रोने लगा और उसने रोते रोते अपने पिता से कहा, नहीं पिताजी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे कुछ भी याद नहीं है पिताजी। तभी चंदन के कानों में बाहर हो रहा गांव के लोगों का शोर सुनाई पड़ा। गांव में क्या हो रहा है? चंदन तुरंत दौड़ता हुआ बाहर की ओर भागा। बाहर जाकर जो उसने देखा उसे देखकर वह दंग रह गया। सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर अपने अपने बच्चों को देखकर रो रहे थे। चंदन दौड़ता हुआ गांव के ही एक व्यक्ति के पास गया और उससे बोला, अरे भाई गांव में ऐसा क्या हुआ है जो ये सभी लोग घर से बाहर आ आकर रो रहे हैं? अरे चंदन तुम्हें नहीं पता? पता नहीं अचानक से क्या हुआ, अरे गांव के लगभग सभी बच्चों को दिखाई देना बंद हो गया है, सभी बच्चे अंधे हो गए हैं, पता नहीं ये क्या मुसीबत है। क्या क्या बात कर रहे हो तुम, यही हाल तो मेरे 10 साल के बेटे मुन्ना का भी है। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी चंदन की पड़ोसी गीता दौड़ते हुए चंदन के पास आई और उससे बोली, मेरा एक ही तो भाई था, इसके अलावा मेरा कोई और दूसरा सहारा नहीं था, अब तो वो भी आंखों से अंधा हो गया है, अब मैं क्या करूंगी। तभी चंदन का छोटा भाई कन्हैया दौड़ता हुआ वहां आया और अपने भाई चंदन से बोला, बड़े भैया जो मैं सुन रहा हूँ क्या वास्तव में वो सच है? हाँ कन्हैया ये सब सच है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हमारे गांव के बच्चों को हो क्या रहा है, उन्हें अचानक से दिखाई देना बंद हो गया, वो अंधे हो गए, एक पल में ये सब कैसे हो गया। कन्हैया एक बहादुर किस्म का व्यक्ति था, उसने गांव वालों की तरफ देखा और उनसे कहा, गांव वालों हमारे गांव पर जो विपत्ति आई है इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ा कारण है। मैं आपका दुख दर्द समझता हूं, क्योंकि मेरा भतीजा भी इसी परेशानी से जूझ रहा है। मैं
चंदन का छोटा भाई कन्हैया, इस बात की जड़ तक जरूर पहुंचूंगा और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगा। यही मेरा कर्तव्य है और ये ही मेरा आपसे वादा है। मैं बहुत जल्द अपने भतीजे और गांव के सभी बच्चों को इस परेशानी से मुक्ति दिलाऊंगा और फिर से हमारे गांव में खुशी का माहौल होगा। अगले दिन कन्हैया एक घोड़ा लेकर गांव से बाहर जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी वहां पर गीता आकर उससे बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी कन्हैया। नहीं गीता, तुम गांव में ही रुको, हो सकता है मुझे लौटने में कई महीने लगे और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं जा कहां रहा हूं। तुमने कुछ तो सोच रखा होगा कन्हैया। हाँ सोच रखा है, मैंने सुना है यहाँ से 50 कोस दूर घने जंगल में एक बहुत पहुंचे हुए साधु बाबा बैठते हैं। मुझे विश्वास है कि उनके पास इस समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हर हाल में चलूंगी। आखिर मेरे छोटे भाई को भी दिखाई देना बंद हो गया है तो मैं घर पर हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकती, तो मैं हर हाल में तुम्हारे साथ चलूंगी। गीता के इतना जिद करने पर कन्हैया ने गीता को अपने घोड़े पर बैठा लिया और फिर दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते उन्हें काफी रात हो गई थी। वो दोनों पहाड़ी इलाके के एक बहुत ज्यादा घने जंगल में खड़े थे। रात बहुत घनी और डरावनी थी और उससे भी ज्यादा डरावना था वह घना जंगल। तभी गीता कन्हैया से बोली, कन्हैया मुझे तो यहाँ आसपास कोई साधु बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे हाँ होंगे, कहीं ना कहीं यहीं पर कहीं मौजूद होंगे, इतना बड़ा घना जंगल है, इसमें कहीं पर भी हो सकते हैं। तभी गीता की नज़र पास में ही बनी एक झोपड़ी पर पड़ी और उस झोपड़ी के अंदर जल रही आग यह बता रही थी कि उस झोपड़ी के अंदर कोई मौजूद है। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि उस झोपड़ी के अंदर वही साधु बाबा हैं जिन्हें ढूंढते हुए गीता और कन्हैया यहाँ आए हैं, या फिर उस झोपड़ी के अंदर उन्हें कोई और ही मिलेगा। हो सकता है इस झोपड़ी में कोई राक्षस रह रहा हो, अगर ऐसा हुआ तो ये गीता और कन्हैया के लिए बहुत बुरी बात होगी, क्योंकि गीता और कन्हैया के झोपड़ी में जाते ही वो तुरंत कन्हैया और गीता को मारकर खा जाएगा। लेकिन इस बात का पता लगाने के लिए गीता और कन्हैया को झोपड़ी में जाना ही पड़ेगा। कन्हैया, इस भयानक वीराने में ये झोपड़ी किसकी हो सकती है? मुझे नहीं पता गीता, लेकिन इस बात का पता करने के लिए हमें झोपड़ी के अंदर जाना होगा। हो सकता है ये उन्हीं बाबा की झोपड़ी है जिनकी तलाश करते हुए हम इतनी दूर से यहाँ आए हैं। चलो झोपड़ी के अंदर चलकर देखते हैं। गीता और कन्हैया झोपड़ी के अंदर पहुंच जाते हैं। उस झोपड़ी के अंदर एक साधु बाबा आंखें बंद करके कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे। उन दोनों की किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि उन्हें उस झोपड़ी के अंदर वही मिला जिसकी तलाश में वो वहां आए थे। बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उन दोनों की ओर देखकर बोले, मुझे सब कुछ पता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो। तुम्हारा नाम है कन्हैया और तुम इसके पड़ोसी हो गीता। मैं तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करता हूँ कन्हैया, क्योंकि इस भयानक जंगल में लोग रात में तो क्या दिन में भी आने से डरते हैं। मेरे गांव वाले मुसीबत में हैं बाबा, और उनकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे मुंह से ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कन्हैया, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जिनके दिल में इंसानियत नाम की कोई चीज होती है। साधु बाबा, जब आप सब कुछ जानते हैं तो हमें इसका उपाय भी बताइए। तुम और तुम्हारी पड़ोसी गीता इस वक्त यात्री हो। मैं तुम्हारी मदद एक जादुई तोते की आंखों के बिना नहीं कर सकता। तुम्हें उस तोते को ढूंढना होगा। लेकिन बाबा, उसे मैं कहाँ ढूंढूं? और उसकी आंखों वाली बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। वह तोता स्वयं तुम्हें पहचान लेगा।
और नियति स्वयं तुम्हें उसके पास तक पहुंचा देगी। उसकी जादुई आंखों की मदद के बिना तुम अपने भतीजे और बाकी के गांव के बच्चों की मदद नहीं कर पाओगी। तुम्हें किसी भी हाल में उसकी जादुई आंखों को यहां पर लाना होगा। समय बर्बाद मत करो, जितना समय बर्बाद करोगे उतनी समस्या बढ़ती जाएगी। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी साधु बाबा। ये एक तरह की महामारी है बेटी, जो तुम्हारे गांव में फैली है। समय रहते अगर इस महामारी का इलाज नहीं किया गया तो बस कुछ ही दिनों में अंधे होने की महामारी पूरी दुनिया में फैल जाएगी। बाबा की बात सुनकर गीता और कन्हैया बुरी तरह से घबरा गए। कन्हैया और गीता उसी समय वहां से उस तोते की तलाश में निकल पड़े। तीन दिनों तक लगातार वो उस तोते को ढूंढते रहे। शाम के वक्त थक हार कर कन्हैया एक पेड़ के नीचे बैठकर गीता से बोला, अरे समझ में नहीं आता ये तोता हमें कहाँ मिलेगा। साधु बाबा ने कुछ सोच समझ कर ही हमें उस तोते को ढूंढने को कहा है, और उन्होंने कहा था कि नियति खुद हमें उसके पास पहुंचा देगी। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि उसी समय उनके कानों में एक आवाज टकराई। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिल सकता है। गीता और कन्हैया ने जैसे ही पीछे की ओर देखा तो उन्होंने देखा एक उड़ता हुआ तोता उनसे पानी मांग रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो बे, किसी तोते को इंसानी भाषा में बात करते हुए पहली बार देख रहे हो क्या। तोते की बात सुनकर अचानक से कन्हैया बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे कहीं तुम वही तोते तो नहीं जिसकी तलाश में मैं और गीता निकले हैं। क्या तुम वही तोते हो जिसके पास जादुई आंखें हैं। यह सुनकर वह तोता बुरी तरह से चौंक पड़ा और बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा, कहीं तुम दोनों को मेरी जादुई आंखों की तलाश तो नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा, इतने दिनों से हम आपको ही तो ढूंढते फिर रहे हैं। तभी उस तोते की आंखें किसी बल्ब की तरह चमकने लगी और वह बहुत ही गौर से गीता और कन्हैया को देखने लगा। और तभी अचानक कन्हैया की मुट्ठी अपने आप बंद हो गई और अगले ही पल कन्हैया के हाथ में दो बहुत ही सुंदर इंसानी आंखें थी। मैंने तुम्हें अपनी बहुत ही कीमती दोनों जादुई आंखें दे दी है, अब तुम दोनों इन्हें लेकर अपने मकसद के लिए निकल जाओ। तुम्हारे पास समय बहुत कम है तो जल्दी जाओ। लेकिन तुम्हें कैसे पता। मेरी जब भी मर्जी होती है तो मैं अपनी जादुई आंखों की मदद से जो देखना चाहूं देख सकता हूं। सारे रहस्यों का तुम्हें बाद में पता लग जाएगा। सबसे पहले तुम्हें इन जादुई आंखों को लेकर उन पहुंचे हुए साधु बाबा के पास जाना होगा। तुम्हारे पास समय बहुत कम है तो देर मत करो। कन्हैया और गीता उन जादुई आंखों को लेकर बिना देर किए साधु बाबा की कुटिया की ओर निकल पड़े। और उधर वह साधु बाबा इतनी तेज बरसात और तूफान चलने पर भी अपनी कुटिया से बाहर खड़े होकर उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। मुझे विश्वास था कन्हैया कि तुम उस जादुई तोते की आंखों को तलाशने में कामयाब जरूर हो जाओगे। आखिर ये सब कुछ क्या रहस्य है बाबा, हमें कुछ तो बताइए। तुम्हारा भतीजा तुम्हारे गांव के तालाब के पास बेहोश मिला था, ये बात सच है ना। हाँ बाबा सत्य है। दरअसल किसी दूसरी दुनिया के द्वार अक्सर तालाब के अंदर या किसी बड़ी झील के अंदर खुला करते हैं। तुम्हारा भतीजा गलती से उस तालाब में गिर गया और उसी समय किसी दूसरी काली दुनिया का द्वार उस तालाब में खुला हुआ था। वो उस द्वार के जरिए उस दुनिया में पहुंच गया जिसे काली दुनिया कहते हैं। उसके वहां पहुंचते ही वहां की काली आत्माओं ने उसे अपने बस में कर लिया और फिर
वो उसकी आंखों में प्रवेश कर गई और इसी वजह से उसे सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन सच तो ये है कि वो काली आत्माएं तुम्हारे भतीजे की आंखों के सहारे इस दुनिया को देख रही हैं और तबाह करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि वो इस हमारी खूबसूरत दुनिया को अपने बस में कर सके। तो फिर गांव के सभी बच्चे अंधे कैसे हुए बाबा? जब भी कोई काली आत्मा उस द्वार से हमारे संसार में आ जाती है तो वो द्वार खुला रह जाता है। अगर उस द्वार को बंद नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मैंने तुम दोनों से उस जादुई तोते की आंखें मंगवाई थी। इन जादुई आंखों के बिना ना ही तुम कुछ कर सकते थे और ना ही मैं कुछ कर सकता था। लेकिन अब हमें इन आंखों का क्या करना है? साधु बाबा अपनी हथेली कन्हैया के आगे करते हुए बोले, लाओ ये आंखें मुझे दे दो। कन्हैया ने वो दोनों आंखें साधु बाबा को पकड़ा दी। फिर साधु बाबा उन आंखों को देखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। अचानक वो आंखें गायब हो गई और कन्हैया की आंखों का रंग हरा होने लगा। अब उस जादुई तोते की आंखें तुम्हारी आंखों में प्रवेश कर गई है। समय बर्बाद मत करो, अब जाओ और उस तालाब के अंदर कूद जाओ। इन आंखों की मदद से ही तुम उस काली दुनिया के द्वार को देख सकते हो। तुम्हें वहां अकेले ही जाना होगा। गीता को वहां ले जाने की गलती से भी मत करना। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन बाबा, मैं वहां जाकर उस द्वार को बंद कैसे करूंगा? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम्हें सभी रास्ते तोते की जादुई आंखें ही दिखाएगी। जब वो द्वार बंद हो जाएगा तो तुम्हारे गांव के सभी बच्चों की आंखें ठीक हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें इन जादुई आंखों को मेरे पास यहां लाना होगा, ठीक है? कन्हैया गीता को साथ लेकर उसी समय बिना समय बर्बाद किए अपने गांव के तालाब के पास पहुंच गया। क्या मुझे तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहिए? नहीं गीता, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। साधु बाबा ने मना किया है, मुझे अकेले ही तालाब के अंदर जाना होगा। इतना कहकर कन्हैया तुरंत तालाब के अंदर कूद गया। तालाब के अंदर कूदते ही जब कन्हैया तालाब की गहराई में गया तो उसे उसके अंदर एक बहुत बड़ा गोल आकार का नीला दरवाजा दिखाई दिया। कन्हैया सीधा तैरता हुआ उस दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गया। उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही कन्हैया ने अपने आप को अपने ही गांव में खड़ा हुआ पाया। लेकिन पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो मेरा ही गांव है। बस फर्क इतना है कि यहां पर रात हो रही है और चारों ओर बस सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे गांव में कोई रहता ही नहीं है। तभी कन्हैया की आंखें अपने आप बंद हो गई और कन्हैया की आंखों के सामने कुछ चित्र घूमने लगे। कन्हैया ने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक झोपड़ी के अंदर रोटी बना रही है। अचानक से कन्हैया की आंखें खुल गई। मुझे एक बूढ़ी औरत एक झोपड़ी के अंदर रोटी बनाती हुई क्यों दिखाई दे रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कन्हैया गहरी सोच में डूब गया कि तभी उसके मन में एक विचार आया। लगता है ये जादुई आंखें मुझे कुछ दिखाना चाहती हैं। अगर इन जादुई आंखों ने मुझे एक बूढ़ी औरत रोटी बनाती हुई दिखाई है तो यकीनन वो मेरे आसपास ही होगी। कन्हैया तुरंत वहां से चलकर उस झोपड़ी को तलाश करने लगा और ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र एक पहाड़ी पर बनी एक झोपड़ी पर पड़ी। कन्हैया तुरंत दौड़ता हुआ उस झोपड़ी के अंदर पहुंच गया। अंदर का दृश्य देखकर कन्हैया की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई, क्योंकि कन्हैया की आंखों के सामने हूबहू वही मंजर था जो उसने अपनी बंद आंखों से देखा था।
कन्हैया अपने मन में बोला, ये आंखें तो वाकई चमत्कारी आंखें हैं। सामने एक दृश्य देखकर तो ऐसा लगा जैसे जैसे मैंने भविष्य देख लिया हो। तभी उस बूढ़ी औरत ने रोटी बनाना बंद कर दिया और कन्हैया की ओर देखने लगी। तुम्हारा यहाँ स्वागत है कन्हैया, पर यह तुम्हारी दुनिया नहीं, ये मेरी काली दुनिया है और यहाँ पर सुबह नहीं होती। सुबह तो बस तुम्हारे संसार में होती है, हमारे में नहीं। तुम कौन हो? वह बूढ़ी औरत कन्हैया का मजाक उड़ाते हुए बोली। उस जादुई तोते की आंखें तुम्हें यहाँ तक तो ले आई, पर तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। तभी कन्हैया की आंखें एक बार फिर अचानक से अपने आप बंद हो गई और उसके सामने एक दूसरा चित्र चलने लगा। और फिर कन्हैया की आंखें अचानक से अपने आप खुल गई और वह बूढ़ी औरत बड़े गुस्से में कन्हैया से बोली, ऐसा करने की सोचना भी नहीं, नहीं तो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। मैं तो वैसे भी अपनी जान हथेली पे रखकर आया हूँ। मूर्ख बूढ़ी काली आत्मा, तेरा खेल खत्म। इतना कहकर कन्हैया चूल्हे के पास चला गया और उसने वह तवा उठाया जो चूल्हे के ऊपर रखा हुआ था और उसे नीचे गिर दिया। तवे के जमीन पर गिरते ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और उस बूढ़ी औरत के शरीर में अपने आप आग लग गई और फिर कन्हैया की आंखों से आवाज आई, तालाब की ओर भागो, तालाब की ओर भागो। कन्हैया दौड़ता हुआ तालाब के पास पहुंचा। तभी उसने देखा कि तालाब से सैकड़ों काले साए बाहर निकल रहे हैं। उनके बाहर निकलते ही कन्हैया तुरंत तालाब में कूद गया और कुछ ही देर में उसे वह नीला द्वार भी नजर आ गया। कन्हैया ने जैसे ही वह द्वार पार किया, अचानक से वह द्वार गायब हो गया और अगली सुबह कन्हैया की आंखें तालाब के किनारे खुली। गीता भी तालाब के किनारे पर ही थी। गीता कन्हैया को देखकर बोली, मैं तो डर ही गई थी कन्हैया। कन्हैया, गांव में सब कुछ ठीक हो चुका है और हमारे गांव के सभी बच्चों को फिर से दिखाई देने लगा है, और तो और आज धूप भी बहुत अच्छी निकली है। हमें तुरंत साधु बाबा के पास चलना चाहिए। कन्हैया गीता के साथ उसी रात बाबा के झोपड़े में पहुंच गया, जहां पर वह तोता पहले से ही मौजूद था। साधु बाबा मुस्कुराते हुए कन्हैया से बोले, तुमने वो कर दिखाया है कन्हैया, जिसे कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता था। वो जादुई आंखें लाओ, मुझे वापस कर दो, ताकि मैं इस बेचारे तोते की आंखें इसे वापस कर सकूं। इतना कहकर साधु बाबा ने अपनी हथेली आगे कर दी और अचानक कन्हैया की आंखों का रंग सामान्य हो गया और तोते की वह जादुई आंखें साधु बाबा की हथेली पर आ गई और वो जादुई आंखें साधु बाबा ने तोते को फिर से लगा दी और वो जादुई आंखें फिर से बल्ब की तरह चमकने लगी। आखिर ये सब कुछ क्या रहस्य था साधु बाबा? अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है, लेकिन बस इस तोते की जादुई आंखों का रहस्य मुझे समझ नहीं आया बाबा। इस बात का जवाब जादुई तोता तुम्हें स्वयं देगा। बरसों पहले की बात है, मेरा मालिक एक बहुत बड़ा जमींदार हुआ करता था। जब मुझे पता चला कि मेरे मालिक के पुरखों ने बेमानी करके दौलत कमाई है, तो मैंने अपने मालिक से सारी संपत्ति दान करने को कहा और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। वो एक छोटी सी जमीन लेकर उसमें खेती करने लगा। मैं कभी भी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता था। एक दिन अचानक मेरे मालिक की आंखें फूट गईं। इलाज के दौरान एक साधु बाबा ने मुझसे कहा, अगर मैं अपनी आंखें अपने मालिक को दान में दे दूंगा तो उसकी आंखें सही हो जाएगी। मैंने अपनी आंखें अपने मालिक को दान में दे दी। यह देखकर वह साधु बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बदले में
उसने मुझे ये जादुई आंखें भेंट में दे दी। ये जादुई आंखें मुझे भविष्य भी दिखाती है। इन जादुई आंखों की मदद से मैं जमीन में गड़े धन को भी देख सकता हूँ, लेकिन मुझे धन का कोई लोभ नहीं। इतना कहकर जादुई तोता वहां से चला गया। कन्हैया की बहादुरी और उस तोते की जादुई आंखों ने दुनिया को बचा लिया।